हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिक्सलैब से इस तरह का पोस्टर या बैनर कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर दिए। उसके बाद अब बैकग्राउंड लाएंगे, यानी कि हम पहले से जो है बैकग्राउंड बना के रखे हैं। तो लाने के लिए ये दो तरह का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे यहाँ फॉर्म गैलरी में। यहाँ देखिए फॉर्म गैलरी है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड ले लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड जो है वो आ गया है। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे, लिखने के लिए एक प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसमें से आपको जो है टैक्स ले लेंगे। टैक्स ले लेने के बाद इसको अच्छा से सेट कर देते हैं। उसके बाद ये डिलीट के ऑप्शन के बगल में पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके यहाँ से पेंसिल ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे आप सभी देशवासियों को। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए। उसका ओके क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने के बाद इसका साइज वाइज देख लेंगे। तो देखने के लिए कलर देने के लिए ए वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो उसके स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ से साइज़ दे देते हैं, जितना भी साइज हो आप दे सकते हैं। उसके ये हो गया। उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर दिए। उसमें कलर दे देंगे, जैसा हो, रेड हो, हरा हो या येलो हो, ब्लैक हो, जैसा भी हो। तो फिलहाल हम ब्लैक रखेंगे। उसके बाद राइट क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको फिर बोल्ड कर देंगे स्टाइल, तो बोल्ड कर देते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हो गया। उसका इसको अच्छा से सेट कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे, देखिए दोस्तों अभी हम लिख दिए हैं। उसके बाद फिर से लिखेंगे, तो लिखने के लिए प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसमें से आपको टैक्स ले लेंगे। टैक्स ले लेने के बाद ये डिलीट के ऑप्शन के बगल में पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसमें से आपको पेंसिल में क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद साइड में ओके ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद इसमें कलर लो डाल देंगे। तो डालने के लिए ए वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, यहाँ से साइज देख लेंगे, जैसा भी साइज हो। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसे कलर डालेंगे, जैसा भी कलर हो, रेड हो, येलो हो या ब्लैक हो। तो फिलहाल हम ब्लू रखेंगे। राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको स्टाइल में डालेंगे, तो हम यहाँ बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर देते हैं, इसको अच्छा से सेट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हो गया ये सेट। उसके बाद फिर से अब जो है शुभकामनाएँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे नहीं, हम उसको जो है डाउनलोड करके रखे हैं। तो लाने के लिए एक प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे, फॉर्म गैलरी में जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम ले लेते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर जो है वो अलग हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए प्लस में बीच में जो है बीच में क्लिक करेंगे। उसके बाद कलर में जाएंगे, जैसा भी कलर हो। तो फिलहाल हम ब्लैक रखेंगे। उसके बाद इसमें स्टॉक की डालेंगे, इनेबल कर देंगे। उसके जैसा भी हो, तो हम फिलहाल जो है रेड रखेंगे। उसका राइट क्लिक करेंगे। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद अब लाना है सेंटा क्लास का फ़ोटो। तो फ़ोटो लाने के लिए प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे, फॉर्म गैलरी में जाएंगे, इसके यहाँ से ले लेंगे। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका राइट क्लिक करेंगे, इसको छोटा करके अच्छे से सेट कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप लाएंगे गिफ्ट, तो गिफ्ट लाने के लिए प्लस वाला आइकन में जाएंगे, यहाँ से फॉर्म गैलरी में जाएंगे, यहाँ से गिफ्ट ले लेते हैं। इसका राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए आगे जा रहा है, इसको बैक कर देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों ये हो गया। इसके दोस्तों आज के वीडियो जो है यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।